हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक एंड टाउन वंस अगेन गाइस। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक कार्ट के अंदर आइटम्स किस तरह से ऐड करते हैं और उसका जो बैकएंड फ्लो है, जितने भी फंक्शनैलिटी है, प्रोसेस है, वो हमने डिस्कस किया और उसको आज के हम लेक्चर में इसको फिनिश करेंगे, क्लोज करेंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, जिसमें स्टेप नंबर वन की बात करें तो हमने इसमें मेंशन किया है हाउ टू ऐड आइटम इन कार्ट, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको कवर किया। देन स्टेप टू की बात करें तो हाउ टू ऐड मल्टीपल आइटम्स इन कार्ट, सो ये हम आज के लेक्चर में इसको कवर अप करेंगे। और देन स्टेप थ्री की बात करें तो अगर हमारे पास कार्ट में आइटम्स अवेलेबल हैं मल्टीपल और उसमें से कोई एक स्पेसिफिक आइटम हमने सपोज वो अपडेट करनी है बाय इट्स क्वांटिटी, तो उसकी क्वांटिटी हम अपडेट करना चाह रहे हैं, अपग्रेड करना चाह रहे हैं या डाउनग्रेड करना चाह रहे हैं। देन स्टेप नंबर फोर में हम कार्ट का जो कंटेंट है उसमें लाइक कितनी नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल हैं, देन उसका ग्रैंड टोटल जो है वैल्यू वो क्या है। सो गाइस लेट्स गो टू द एडिटर। सॉरी, आप ये आपके पास स्क्रीन जो है अवेलेबल है जहाँ पर हमारे पास दो आइटम्स जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं। देन अगर हम आइटम नंबर टू के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे उसे डिटेल पेज हमारे पास ओपन है। इसमें हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में जो पॉइंट नंबर वन डिस्कस किया हाउ टू ऐड आइटम इन कार्ट, तो हमने उसके लिए एक फॉर्म क्रिएट किया। देन उसके ऊपर हमने सबमिट का जो ऐड टू कार्ट का जो एक्शन है वो परफॉर्म किया। आज का जो लेक्चर हमारा, हम उस जो फंक्शन है हमारा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रिएट किया, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हमने किए हैं क्योंकि सेम फंक्शन हम यूज़ करेंगे और उसी को हम यूज़ करते हुए अपने सारे स्टेप्स को फाइनल करेंगे। तो जैसे हम अगर इसमें व्यू कार्ट की बात करें और ऐड टू कार्ट की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो लेट्स गो टू द एडिटर एंड लेट्स सी स्टोर सेशन के इसमें हमने क्या अमेंडमेंट्स किए हैं। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो रिक्वेस्ट में डाटा हमारे पास होगा, लाइक ऐड टू कार्ट हम करते हैं तो ये हमारे पास रिक्वेस्ट में डाटा है, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी एंड देन प्राइस। और अगर हम नेक्स्ट इसमें देखें तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसको ज़रा रिमूव कर दें, ये टेस्टिंग के लिए मैंने भी ऐड किया था, लाइक सेशन मैं फॉरगेट कर रहा था जस्ट इसको स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले जो हम कर रहे हैं उसमें हमने अपना सेशन गेट किया है कार्ट का, लाइक कार्ट के अंदर हमारे पास क्या डाटा अवेलेबल है। तो उसको अगर हम देखें तो कार्ट में हमारे पास अभी डाटा की बात करें, कार्ट में हम सबसे पहले अपना कार्ट चेक करेंगे कि इसके अंदर लाइक इस लाइन नंबर 15 को अगर आप देखें तो इसमें हम चेक करेंगे कि हमारे कार्ट में, ये हमने कंडीशन भी ऐड की है, कार्ट में अगर हमारा डाटा अवेलेबल है तो कार्ट में हम प्रिंट करेंगे कि कार्ट में आइटम्स एग्जिस्ट कर रही हैं, अदरवाइज हम कहेंगे कि कार्ट के अंदर कोई भी आइटम अवेलेबल नहीं है। ये आप जिस तरह देखें तो कार्ट में डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम सेशन फॉरगेट करते हैं तो हमारे पास सेशन स्टोर फॉरगेट, वेयर इज स्टोर फॉरगेट फॉरगेट नॉट एग्जिस्ट, ओके फॉरगेट। सो गाइस ये मैंने सेशन अभी किया है अपना क्लियर अपने कार्ट का। अगर हम इसकी बात करें, जैसे ही हम रिक्वेस्ट हिट कर रहे हैं तो हमारे पास कार्ट एम्प्टी है और हमें जो मैसेज डिस्प्ले हुआ है वो नॉट एग्जिस्ट, कि कार्ट में भी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, कोई आइटम अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस एल्स में आप देख रहे हैं कि हमारे पास, मैंने इसमें कार्ट की करी है, हमने एम्प्टी क्रिएट की है, देन उस कार्ट के अंदर हमने एक अपेंड कर दिया है, पुश कर दिया है, एक जो हमारे पास रिक्वेस्ट में जो आइटम्स आ रही हैं, लाइक एक आइटम जो हमारे पास आ रही है एक्सेप्ट टोकन, जो हमारे पास रिक्वेस्ट में डेटा आ रहा है वो चार फील्ड्स हैं, टोकन है, आइटम की आईडी है, क्वांटिटी एंड देन इट्स प्राइस। तो हम टोकन हमें नहीं चाहिए उसमें अपने कार्ट में, सो हमने इसमें से इसको स्किप कर दिया है टोकन वाली फील्ड को। देन और की जो है प्रोडक्ट आईडी की, जो हमारे पास आइटम आईडी है उसको हमने अरे एज अ की हमने उसको यूज़ कर लिया और हमने उसका एक सेशन जो है वो क्रिएट कर दिया कार्ट में, और वो उसकी वैल्यू हमने यही कार्ट की जो रे है वो जो है हमने इसमें पुश कर दिया। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगर इसमें हम इसको अगर रिफ्रेश करें तो
अब हमारे पास आया एग्जिस्ट कर रहा है सेशन, क्योंकि हमारा ये सेशन क्रिएट हो गया है। और देन जब हमने दोबारा ये रिक्वेस्ट हिट किया है तो वो क्या है, हमें मैसेज रिसीव हुआ एग्जिस्ट है सेशन, इसका एग्जिस्ट करता है। अगर सेशन एग्जिस्ट करता है देन हमें क्या करना है, सपोज हम इसमें अपनी प्रीवियस, अगर हम इस प्रोडक्ट के आइटम की बात करें तो इसमें अगर हम जाते हैं और इसको हम ऐड टू कार्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि सेशन जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, ये अगर हम इसको पॉइंट आउट करें तो ये हमारे पास सेशन एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर हम आइटम आईडी को हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया है, आप इस तरह से एक स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन हमने चेक किया कि हमारे पास जो आइटम है, जो हमारे पास आइटम है वो इस कार्ट में, जो रिक्वेस्ट आइटम है वो इस कार्ट में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। आइटम आईडी की बात करें या कार्ट अगर हम देखें तो एक्चुअली हमारे पास कार्ट में क्या है, तो कार्ट में हमारे पास डेटा आ रहा है 3 और 1 का, थ्री और वन एग्जिस्ट, और हमने 1 को दोबारा हिट किया है, 1 हम दोबारा ऐड कर रहे हैं। सपोज ये हमारी अब कार्ट की जो आइटम है ये अपडेट होने जा रही है, तो हमने चेक किया कि ये जो अरे की एग्जिस्ट के जो मेथड से हमने चेक किया कि ये आइटम आईडी मींस जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आइटम जो ऐड कर रहे हैं उसकी आईडी 1 है, और हमने इस कार्ट की जो अरे है इसमें से की चेक की कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, 1 एग्जिस्ट कर रही है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। इसकी क्वांटिटी हमारे पास 1 ऑलरेडी है, तो हम इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे बाय 1 वैल्यू, इसको हम 2 करेंगे। और इसको किस तरह से करेंगे अभी, क्योंकि हमें यहाँ पर पता चल गया कि ये की इसमें एग्जिस्ट कर रही है, आप यहाँ पर हम इसमें इफ लगाएंगे, अगर एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करेंगे, इसी की को हम अनसेट कर देंगे, इसी की को आप अनसेट कर सकते हैं और एक नई जो आप इसके अंदर अपेंड कर दें, अनसेट, यहाँ पर आप कार्ट लिखेंगे और कार्ट जो अरे है उसमें आप की का नेम लिखेंगे आइटम अंडरस्कोर आईडी, इस तरह से आप इसको रिमूव करेंगे। देन एक नई जो हम इसके अंदर एक और ही ये इसी सेम टाइम पे हम इसको रिमूव किया, देन हम इसके अंदर एक नई आइटम क्रिएट कर देंगे, इसमें हम नई आइटम इस तरह से क्रिएट करेंगे। इसको रिमूव करने से पहले हमें इसकी क्वांटिटी गेट करनी है, इसकी क्वांटिटी गेट करनी है, तो क्वांटिटी के लिए हमें किस तरह से गेट करनी होगी, अगर आप देखें तो ये हमारे पास इसका डाटा आ जाएगा, आप देखें तो आइटम डिटेल, आइटम डिटेल, ये हमारे पास आइटम की डिटेल आ जाएगी, और इस आइटम डिटेल को अगर हम प्रिंट करें डॉलर साइन आइटम डिटेल को हम प्रिंट कर लेते हैं, डॉलर साइन आइटम डिटेल, लेट्स सी, तो ये आपको आइटम डिटेल मिल गई। अब आइटम डिटेल में हमने इसकी क्वांटिटी गेट करनी है, क्वांटिटी, तो ये हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ गई, इस क्वांटिटी को हम इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, डॉलर साइन न्यू क्यू टी वाई इक्वल टू इंट पेस्ट प्लस जो रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास क्वांटिटी आ रही है आप उसको यूज़ कर लें, रिक्वेस्ट के अंदर जो क्वांटिटी आ रही है हम उसको यूज़ कर लेते हैं, और इनको हम प्लस कर रहे हैं, ये न्यू क्वांटिटी हमारी हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अनसेट कर देंगे, इसको अनसेट कर दिया, और जो अब हमारे पास नई अरे बनेगी, जो हमारी नई इसमें वैल्यू अपेंड होगी वो हम ऐड करेंगे आइटम न्यू आइटम डिटेल, न्यू आइटम डिटेल इक्वल्स टू, हम इसमें ऐड करेंगे आप कह सकते हैं इसमें न्यू क्वांटिटी आ गई हमारे पास, और प्रोडक्ट आईडी, इसमें हमने कहा प्रोडक्ट आईडी, ये हमारे पास आई रिक्वेस्ट आईडी, आप आइटम आईडी कह सकते हैं, देन हमारे पास क्वांटिटी, क्वांटिटी हमारे पास होगी न्यू क्वांटिटी, एंड देन नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्राइस होगी, प्राइस, प्राइस
प्राइस इक्वल टू आइटम प्राइस, रिक्वेस्ट प्राइस आप कह सकते हैं, रिक्वेस्ट प्राइस। ओके, ये हमारे पास न्यू आइटम डिटेल आ गई। अगर हम इसको प्रिंट करें तो फॉर्मेट, एक दफ़ा हम इसमें रिव्यू कर लेते हैं, फॉर्मेट हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेट है हमारा। अब हम इसको जो है उसमें पुश कर देंगे अपने कार्ट में, सेशन, और इसमें हम पुट करेंगे कॉपी किया, और इसी को हम इसमें पुट करेंगे न्यू आइटम, डॉलर साइन न्यू आइटम डिटेल, और यहाँ पर हम आइटम आईडी पास करेंगे, आइटम अंडरस्कोर आईडी, और हमारा सेशन इस तरह से पुट हो जाएगा। अगर हम इसमें देखें, और यहाँ पर इसको हमें एल्स में लेकर जाना है, ओके फाइन। अब अगर हम व्यू कार्ट करें तो इसमें हमारे पास दोनों आइटम्स आ रही हैं। अगर हम इसमें देखें आइटम नंबर टू, तो ये हमारे पास थ्री आ रही है, टू क्वांटिटी आ रही है, और प्राइस इसकी 20 आ रही है। अगर हम इसमें मज़ीद इसको ऐड करते हैं, इस क्वांटिटी को लाइक हम कहते हैं थ्री और ऐड करें, तो अब ये क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी, हम व्यू कार्ड करें तो इसमें ये हमारे पास फाइव, सॉरी थ्री क्वांटिटी है, लाइक एक हमने क्वांटिटी इसके अंदर ऐड और कर दी है, और हमारे पास इसकी प्राइस 20 है। अगर हम इसमें टू और ऐड करें, अब हमारे पास इसकी क्वांटिटी क्या, फोर क्वांटिटी, बाय फोर क्वांटिटी के साथ हम इसको ऐड करें क्वांटिटी, आई थिंक रिक्वेस्ट प्राइस न्यू क्वांटिटी, ओके सॉरी, यहाँ पर हमें क्वांटिटी पास करना था क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी हमारी इंक्रीज नहीं हो रही थी, क्वांटिटी क्वांटिटी। अब हमारी जो क्वांटिटी है वो बाय क्वांटिटी वैल्यू के साथ हमारी इंक्रीज होगी, लाइक अगर यहाँ पर हम फाइव ऐड करते हैं तो वहाँ पर भी हमारी क्वांटिटी जो है आइटम की वो इसी वैल्यू के साथ होगी, लाइक पहले हमारे पास फोर थी, अब हमारे पास नाइन होगी। अब ये आप देखें तो हमारे पास पॉइंट नंबर जो थ्री है, स्टेप नंबर जो थ्री है, वो भी हमारा इस पैटर्न के साथ कंप्लीट हुआ। तो गाइस, अगर पॉइंट नंबर हम सेवन फोर की बात करें, गेट कार्ड कंटेंट एंड ग्रैंड टोटल, तो इसमें आप के पास जितनी भी यहाँ पर कार्ड में जो आइटम हमारी आ रही हैं, आप जिस तरह ये देखें व्यू कार्ड, तो इसमें हमारे पास ये आ रहे हैं दो आइटम्स, और दो आइटम्स में हमारे पास हमने इसका ग्रैंड टोटल किस तरह से, ये कार्ड का कंटेंट बेसिकली यही आइटम्स हैं, इसमें जो कीज़ हैं। अगर हम इसकी टोटल की बात करें तो टोटल हमारे पास हम क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ये हमारी एक आइटम की प्राइस बनेगी सब टोटल, एंड देन सेकेंड जो आइटम है उसमें भी हमारे पास क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, तो ये हमारी सेकेंड सब टोटल बनेगा। देन इन सब टोटल को हमने प्लस करके, सम करके हमने ग्रैंड टोटल जो है गेट करना है। सो इसके लिए हम जो अपने फाइनल होगा, इसमें हम एक व्यू क्रिएट करेंगे कार्ट का, लाइक इसको हम एक HTML व्यू के अंदर लेकर आएंगे इन्हीं आइटम्स को, और उसके अंदर हम नीचे ग्रैंड टोटल इसका प्रिंट करेंगे। सो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा प्लान, उसमें हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे विद प्रॉपर, जो है हम उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे एडमिन साइट पे, उसको हम मैनेज करेंगे। तो दैट्स इट गाइस, इसको आप इसकी रिवाइज करने की बात करें तो इसमें जो पॉइंट्स हैं हमारे पास वो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आपने जिस तरह के हमने प्रीवियस लेक्चर में आइटम्स किस तरह ऐड करते हैं कार्ड में, वो सेम इसी मेथड को हमने यूज़ किया। अब इसी मेथड में हमने कुछ अमेंडमेंट्स की हैं ताकि हमारी जो कार्ड है, क्योंकि आपका जो कार्ड है वो एक्चुअल डिफरेंट सिनेरियो के साथ आपने उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस वगैरह जो ऐड करने होते हैं, जिस तरह के हमने आज के लेक्चर में इसमें चेक्स ऐड किए हैं। हमने चेक किया कार्ट में हमारा कंटेंट है या नहीं है, अगर कार्ट में कंटेंट नहीं है तो सबसे पहले हम उसमें कंटेंट ऐड करते हैं, लाइक ये हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है। देन नेक्स्ट टाइम जब हम कार्ट ऐड में कोई आइटम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कार्ट हमारा एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसमें आइटम्स हम फिर उसमें चेक कर रहे हैं कि जो हमने कार्ट में आइटम ऐड कर रहे हैं वो उस कार्ट में एग्जिस्ट कर रही है या एक नई आइटम है।
तो इसमें मज़ीद एक दो चेक्स हमारे आ गए कि वो एक जो कार्ट में आइटम है वो एग्जिस्ट, जो न्यू आइटम हम ऐड करें वो ऑलरेडी वही आइटम है जो ऑलरेडी एडेड है या एक न्यू आइटम है। अगर तो न्यू आइटम है तो हम उसको जस्ट उस कार्ट के अंदर अपेंड कर रहे हैं, और अगर हम बात करें कि वो ऑलरेडी आइटम भी वही है और हम मज़ीद उसी को ऐड कर रहे हैं, तो फिर हम उस कार्ट को अपडेट कर रहे हैं, उस आइटम को अपडेट कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी अपडेट कर रहे हैं। इस तरह कि आप ये देख सकते हैं कि अरे ये हमने चेक की उसकी की एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो हम उसमें अपनी आइटम को, कार्ट के आइटम को अपडेट कर रहे हैं। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कार्ट के जो चेक्स हैं और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको क्लियर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।